मेरे साथ क्या हुआ गया, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ गया। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो, अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे, जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी, जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था, मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए, उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाते उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा, जैसे तमाचा मारा ना अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसे आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ। कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है। कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ। कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी। अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है, आपको चला लाया। कहते सुनो, सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हो। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। साकी क्या बात है, मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा।